दोस्तों आईपीएल 2023 से दिल्ली कैपिटल हुआ बाहर और दोस्तों आईपीएल में अब उनका सपना चूर चूर हो गया और दोस्तों आईपीएल 2023 से बाहर भी हो गए। दोस्तों क्या पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन आप भी एक सच्चे भारतीय हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों शनिवार की रात पंजाब किंग्स के हाथों सीजन के 8वीं हार का सामना करना पड़ा दिल्ली कैपिटल की टीम को और दोस्तों अब खिताब जीतने का सपना भी यहां पे चूर चूर नजर आ चुका है। दोस्तों डेविड की अगुवाई वाली टीम आईपीएल 2023 से बाहर होने की कगार पे आ चुकी है और दोस्तों बाहर भी हो गए। दोस्तों दिल्ली कैपिटल के अब तक 12 मैचों में 8 अंक है और दोस्तों यहां से अब वह अधिकतम 12 पॉइंट तक ही पहुंच सकती है और दोस्तों ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में दिल्ली कैपिटल कप्तान डेविड वार्नर को बनाया गया था, लेकिन वार्नर को कप्तानी छोड़कर डीसी कोई बल्लेबाज निरंतरता नहीं दिखाया और दोस्तों डेविड वार्नर ऐसा खिलाड़ी थे जो कि इस कुछ खास कर पाए और दोस्तों यह टीम जो कि हार का सामना कर रहा दोस्तों आईपीएल 2023 से भी बाहर हो गए। दोस्तों पंजाब किंग्स की बात, दिल्ली कैपिटल पे 31 रन जीत दर्ज करने के बाद वो दो मैदान पे और छलांग लगा दिया। दोस्तों 8वें नंबर पे छठे नंबर पहुंच गई, लेकिन दोस्तों की शिखर धवन की अगुवाई वाली टीम जो कि 12 मैचों में 6 मैच जीत के 12 अंक है इनका और दोस्तों अगर प्ले ऑफ की रेस में अगर कदम बढ़ानी है तो इनको बचे 2 मैच लगातार जीतनी होंगी। दोस्तों दिन के पहले मुकाबले में जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने हैदराबाद को हराने के बाद अब 13 अंकों के साथ टॉप 4 में शामिल हो गई है। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत के बाद यहां पे राजस्थान रॉयल्स जो कि 5वें पायदान पे लुढ़क गई है। दोस्तों यहां पे जो कि अब बहुत ही घमासान और शानदार मैच आईपीएल 2023 में देखने को मिल गया। दोस्तों दिल्ली कैपिटल के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी अब आईपीएल 2023 से बाहर हो चुकी है। दोस्तों दोनों टीमों के अपने बचे मैच सभी जीतनी होंगी तभी वह दोस्तों 14 अंक पर ही पहुंच सकती है और दोस्तों इस सीजन प्लेऑफ में पहुंचने के लिए यह काफी नहीं होंगे। दोस्तों पॉइंट टेबल के मामले में जो कि गुजरात टाइम जो कि पहले नंबर पर शामिल है, वह दोस्तों 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग जो कि दूसरे नंबर पर शामिल है। अभी तक इन दोनों टीमों का प्लेऑफ में पहुंचना पक्का माना जा रहा है, लेकिन वहीं पे आखिरी दो स्मार्ट टीम के लिए अभी भी जंग जारी है।